अब देखो 13 तो मेरे तो कुछ फायदा आएगा नहीं आपके एक नंबर का, असली आएगा आपके टफ नंबर आके 15, वो है ब्राइट का। इसमें दो फायदा आते हैं, एक नंबर का दो, जैसे मालूम दे का किसने कहा है कि अच्छी प्रकार से फैटी गई ताश, ताश के 52 पत्तों में से पत्ता निकाला जाता है इक्का नहीं होने, तो देखो ताश में कुल पत्ते कितने होते हैं 52, ताश के कुल पत्ते 52। अब इक्के कितने बताओ, इक्के होते हैं चार, इक्का पूछे बाद साहब बेगम गुलाम सब कुछ चाचा होता है सबके सब, इक्के कितने होते हैं चार, इसने कहा इक्का नहीं होने की, तो बताओ इक्के कितने नहीं होते, इक्के के नहीं होने की संख्या, अब इक्का नहीं होना कितना कितना होगा आपके 52 में से चार गए 48, मतलब के टोटल पत्ते कितने हैं आपके 52, 52 में से चार क्या है आपके इक्के है, बाकी पत्ते कितने हैं आपके इक्के नहीं है, नहीं है तो प्रायिकता क्या करनी है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम में 52 अनु कितने रह गए आपके 48। इसने घटना तो किस प्रश्न को हल करने की प्रायिकता है 2/3, इसने कहा है हल नहीं करने कितनी, देखो हल होने प्लस हल नहीं होने दोनों का योग सदैव कितना होता है आपके एक, इसने कहा हल होने का है 2/3, तो बताओ नहीं होने का हमें करना है 11, प्लस का मतलब हो जाएगा माइनस में, तो कोई प्रश्न हल नहीं होने या होने भी पूछ ले तो क्या करना है, क्यों घटाना है आपको 1 - 2/3 कितना हो जाएगा 1/3, ये भी 3 के बराबर ही होता है, तो 3 में 2 कितने हो गए आपके 1/3, पहला सब पढ़ लो, प्लस सब लोगे तो भी आ जाएगा आपके 3 - 3 - 2 = 1/3, ये आए हुए है एग्जाम में, सभी प्रायिकता घटनाओं के योग कितना होता है 1, सिंपल। अब पासा फेंका जाता है अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, पासे में कुल अंक कितने होते हैं 6, पासा है और कुल जो अंक होते हैं वो होते हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटली 6 नंबर होते हैं, 6 में से कुछ भी आ सकता है, इसने कहा है आपके अभाज्य आने की प्रायिकता क्या होती है, अभाज्य कौन सी होती है 2, 3 और 5, जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाए, मतलब स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाए, टुकड़े भी करे तो 2 = 2 ही हो और उसका कोई टुकड़ा हो ही नहीं, इसमें 2 का भाग जा सकता है और किसी का भाग नहीं जा सकता, 3 का भी जा सकता है, 5 है, 3 में केवल 3 का भाग ही जाता है, तो ये हो जाएंगे आप कुल परिणाम कितने 6, अब ऐसे कितनी आबादी 3 है, तो उत्तर हो जाएंगे आपके 1/2, छोटा सा आएगा भी कोई इजी क्वेश्चन, एक पूछेगा केवल एक बार प्रायिकता कितनी वो पूछेगा, अब इसमें ये भी आ जाएगा कि देखो लाल गेंद तो दे रखी है आपके, लाल गेंद है 3 और काली गेंद कितनी दे रखी है आपके 5, इसने कहा कुल कितना हो गया आपके 8 हो गए, इसने पूछा है काली गेंद नहीं होने की पहले बताओ, तो पहले क्या करेंगे काली गेंद होने की कितनी कितनी होती है बताओ, 5/8, काली गेंद होने की तो है 5/8, फिर ये वाला सूत्र लगा सकते हो तो होने प्लस नहीं होने दोनों का योग कितना होता है 1, प्लस लिख सकते हो होने प्लस नहीं होने दोनों का योग कितना होता है आपके 1, फिर क्या करते हो होने कितनी दे रखी है 5/8, हमें ज्ञात करना है नहीं होने की क्या करनी है ज्ञात करनी, उधर भेज दो क्या कर लो आप माइनस, तो काली गेंद नहीं होने की प्रायिकता 1 - 5/8 बराबर कितना हो जाएगा 3/8, और इतना कौन करे उसके क्या करोगे याद रखना है आपको, काली गेंद है 5, काली गेंद नहीं है वो है आपके 3, क्योंकि वो गेंदे कौन सी है लाल गेंद है, लाल गेंद काली नहीं है, इसलिए हम 3/8 से लिख सकते हो कि 3 में से 8 लाल गेंद है वो काली गेंद नहीं है, सीधा लिखो 3/8 तो भी चलेगा, और ऐसे लिखो घुमा फिरा कर तो भी चलेगा, ये की बात है। फिर है आपके ये भी एक जैसे क्वेश्चन है, जो अलग है क्वेश्चन वो बताते हैं, एक तो वो आता है जन्मदिन का,
एक ही दिन जन्मदिन होने और एक ही दिन जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता। अब देखो पहले अगर नहीं दिन नहीं होने की हो जन्मदिन तो क्या हो जाएगा आपके 364/365 मतलब दो लड़के हैं जिनका जन्मदिन एक दिन नहीं है एक ही दिन नहीं है तो अलग अलग दिन है तो ऐसा देखो अलग अलग दिन मतलब आज से जन्मदिन है अगले दिन में कब आएगा मान लो कल ही आ रहा है तो गैप एक दिन का हो गया। अब इस व्यक्ति के मतलब सेकंड आगे अब जिसका जन्मदिन हो रहा है उसका वापस कब आएगा पीछे वाले का 364 दिन बाद आएगा दोनों के लगातार है आज इसका है और उसका भी आज मान लो उसका कल है तो यानी पिछले वाले से अगर हम तुलना करेंगे तो एक दिन का गैप है लेकिन उल्टी तुलना करेंगे तो अब इसका आ गया इसका भी आ गया अब इसका कब आएगा वापस 364 दिन बाद मतलब ये हाईएस्ट है। गैप 15 दिन का भी हो सकता है गैप 40 दिन का भी हो सकता है या गैप 100 दिन का भी हो सकता है या 150 दिन का भी हो सकता है लेकिन 364 दिन से ज्यादा गैप नहीं हो सकता। लास्ट सोचते लास्ट प्रायिकता नहीं होता है कि प्रायिकता का वो पत्ते कितने लिए इसने 52 पत्ते कितने लिए 52 लिए पूरे पूरे इसलिए लिए कि मान लो कोई भी चीज लेता है हमेशा पूरी लेता है फुल चांस जैसे कहते हैं कि 52 क्या नाम है 52 में से 4 इक्के आने की प्रायिकता पूछे तो इसके लिए भी क्या लेता है पूरे चांस देता है मतलब 52 में से 4 जैसे आप इक्के निकाल ले 4 इक्के निकाल ले तो इक्का नहीं होने की है इक्का होने की प्रायिकता निकाले तो कहते हैं 4 में से 4 निकाल लो 100% हो गया पूरा संभव घटना हो गई 4 निकालेंगे 4 आएंगे मेरे कुत्ते एक बार आ जाएंगे अगली बार वो पता अगर 20 नंबर चला गया तो 20 में से 4 आएंगे या आप चला गया तो 52 में से 4 आएंगे लेकिन कभी कभी तो लास्ट कितना है 52 अब इसी को ध्यान रखते इसीलिए इसमें भी क्या करते हैं जन्मदिन में भी क्या है सबसे हाईएस्ट गैप देते हैं कि ऐसा मानता है कि माना कि दोनों का जन्मदिन लगातार हो तो एक का जन्मदिन अब आ गया है एक दिन के गैप में तो अगले का वापस कब आएगा 364 दिन बाद में। लेकिन एक ध्यान रखना है अगर वहां कौन सा वर्ष हो लीप वर्ष हो मतलब जिस साल में 29 दिन हो फरवरी में 29 दिन हो वहां क्या होगा बताओ 365/367 होगा क्योंकि दिन वहां पर ही ज्यादा होता है। ये तो है एक ही दिन जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता। अब है आपके एक ही दिन जन्मदिन हो लड़कों का तो उसके लिए क्या होगा बताओ एक दिन हो तो 1/365 या लीप वर्ष हो तो 1/367 दोनों उसी दिन मनाने के जन्मदिन अलग अलग नहीं मनाएंगे और अलग अलग मनाने का जो गैप है वो 364 भी हो सकता है 365 भी हो सकता है सवाल पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल में है आपके ऐसा क्वेश्चन फिर है वो पासा फैक्ट्री का पासा है जिसमें लिखा हुआ है ए बी सी और डी है ये ई है और ये ए है हमें पूछती है प्रायिकता ए आने की प्रायिकता पूछे तो क्या लिखेंगे हम 6 टोटल ही है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक कितनी बार है 2 बार ये हो जाएगा आपके 1/3 ये एक नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर का अलग से आएगा मैं अभी केवल आपको 1 नंबर के ही बता रहा हूं जो 1 नंबर के आने के चांस है। ये भी पॉइंट वाला भी आ सकता है कि प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता तो दे रखी है आपके नहीं होने की तो दे रखी है 0.992 मतलब के समूह में एक ही दिन जन्मदिन नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.992 बताओ होने कितनी होगी आपके तो ये हो जाएगा आपके होने प्लस नहीं होने दोनों का योग कितना होगा आपके एक। अब बोलो होने की तो करनी है हमें ज्ञात और नहीं होने कितनी है 0.992 दोनों का साथ में जन्मदिन ऐसे नहीं के जन्मदिन के लिए 365 लो वहां दिन नहीं दिए हुए हैं तो ऐसा ही लिखा हो सिंपल कि एक दिन जन्मदिन होने और एक दिन जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करो तो बोलेंगे। अब प्रायिकता दे रखी है आपके नहीं होने की 0.992 चांस है ऐसा लिख रखा है तो फिर आप ऐसे गदा जरूर करना है वहां पर सिंपल कुछ नहीं दिया हुआ पूरा हिंदी में लिखा हुआ है कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता ज्ञात करो और एक दिन नहीं होने की प्रायिकता भी ज्ञात करो तो ऐसे करेंगे उसमें भी आप देखना 300 लीप वर्ष दिया हुआ है तो ठीक है नहीं तो 365 ही मानना है सवाल कुछ भी नहीं दिया हुआ तो 365 ही मानना है बस उधर बेदरक हो जाएगा आपके माइनस में तो पीई हो जाएगा आपके 1 - 0.992 कितना हो जाएगा 0.008 घटा कर देगा एक है
या पढ़ गया तीन संख्या यहाँ भी पढ़ के बाद तीन संख्या मान ये हो गया 992 हजार में से गया 992 किसी बता आठ एक दो तीन पॉइंट लग जाएगा फिर है आपके डिस्क आ सकता है 90 बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके तीन नंबर तब बताएंगे आपको फिर है आपके छठे प्रश्न में दो एक दो क्वेश्चन और सिक्स चैप्टर में से एक दो क्वेश्चन जैसे मान लो कौन कौन से क्वेश्चन बाकी रह गए एक तो वो आ सकता है आपके यानी कि किसी पेड़ की हाइट है आपके 6 मीटर और छाया कितनी है उसके 4 मीटर और किसी मीनार की ऊंचाई तो करनी है हमें ज्ञात और ये दे रखा है आपके छाया दे रखी है 28 मीटर 28 मीटर ये दे रखा है हमें ज्ञात करनी है कि बताओ मीनार की ऊंचाई क्या है ये आपके छठे प्रश्न वाले क्वेश्चन है तो ये भी आप कैसा आ सकता है तो इसको से मिला ना ये तो हो गया आपके त्रिभुज ए बी और सी और ये हो गया आपके पी क्यू और आर इन दोनों के बारे में तो आप पहले क्या दोनों को समरूप करेंगे तो समरूप करेंगे बुझाई क्या हो जाएगी समानुपाती एक त्रिभुज हो गया आपके ए बी सी और एक त्रिभुज हो गया आपके पी क्यू आर इसमें देखो आपके कौन कौन भुजा बराबर है ये और ये भुजा क्या है आप क्या नाम कौन सा कौन कौन बराबर है ये कोण और ये कोण क्या है बराबर कोण बी बराबर है कोण क्यू कारण है आपके 90 डिग्री इसलिए यहां लिखेंगे हाइट ऊंचाई क्या लिखोगे ऊंचाई लिखो यहां लिखो हिंदी में पूरा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मतलब सीधी ऊंचाई हमेशा कितना डिग्री कोण बनाती है 90 डिग्री का कोण बनाती है फिर है आपके दूसरा है कोण सी बराबर है कोण आर ये कोण और ये कोण बराबर है कारण बताओ उसी समय सूर्य द्वारा बनने वाला कोण उन्यन कोण उसी समय उसमें टाइम लिखा हुआ आएगा कि उसी टाइम मतलब कि टाइम अगर एक ही हो तो कई बना जैसे मान लो कोई लड़का अगर यहाँ छाया में खड़ा है उसकी छाया इतनी आधी है तो बिल्डिंग की छाया जितनी बिल्डिंग की हाइट है उसे आधी छाया होती है और कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसकी हाइट भी हाइट के बिल्कुल आधी होगी सब जगह उसी टाइम सब जगह हाइट आपके जो भी होती है सूर्य के जब कोण बनाती है सब जगह एक जैसे ही बनाती है अलग अलग नहीं बनाती ऐसा नहीं है कि मेरी छाया आधी है तुम्हारी छाया बहुत लंबी होगी ऐसा होता नहीं ऐसा बहुत कम ऐसा होता ही नहीं कम क्या है होता ही नहीं हाँ ये जरूर है कि यहाँ फोन करे और वहां पहुंचे बैंगलोर में कि वहां तुम्हारी छाया कितनी बढ़ी तो वहां अलग है यहाँ अलग है तो इसीलिए बाकी तो बाकी में आज मिल जाएगा हाँ 2-3 किलोमीटर के एरिया में चल जाएगा तो थोड़ा बहुत गैप हो जाता है अब देखो एंगल सी जॉइंट क्या होता है एंगल आर ये दोनों बराबर है कारण क्या है आपके ओनियन कॉर्न क्या लिखोगे ओनियन कॉर्न और पीछे क्या लिखोगे उसी समय बनने वाला सूर्य से बनने वाला उसी समय टाइम जो है टाइम के कारण हो रहा है नियम कौन लगा आपके ए ए नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के अगर समरूप है तो भुजाएं क्या होगी समानुपात जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में मतलब ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटा पी क्यू आर जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में होगा इनमें क्या अनुपात है 6 और h का और यहाँ क्या है 4/28 का घटो तो गाड़ दो ये भाग है कितनी बार 7 बार या 1 बार इसको से गुणा इसको से गुणा एच बराबर आ गया है आपके 42 और तो अनुपात क्या आ सकता है ये कह दे कि भुजाओं में अनुपात कोई त्रिभुज है यानी के दो है आपके समरूप त्रिभुज कड़ त्रिभुज है समरूप त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात भुजाओं में अनुपात तो दे रखा है माना कि 4:9 तो बताओ क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज है आपके समरूप त्रिभुज है पर मैं नंबर 6.6 जब त्रिभुज समरूप हो तो नियम कौन सा लगता है एरिया ऑफ ए बी सी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर बराबर होगा ए बी बटा पी क्यू का होल अब ए बी सी कितना है आपके ये इनका अनुपात ज्ञात करना है आपको तो अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं आपके भुजाएं दो भुजा अनुपात कितना दे रखा 4:9 है क्या लिखेंगे 4/9 का होल आप तो यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो 6.6
जब भी त्रिभुज ये नाम लिखा हुआ समरूप सिमिलर या समरूप लिखा हुआ है तो आपके उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो कितना 416 बटा कितना हो जाएगा 81। और अगर इसका अनुपात दे रखा है भुजाएं भुज ले तो अगर कह दे कि यही सवाल है आपका सिमिलर है और क्षेत्रफल अनुपात दे रखा है 16/81 और हमें करना है भुजाओं का अनुपात क्या करना है हमें ज्ञात करना है। स्क्वायर हट गया स्क्वायर लग गया स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 4/9। ऐसा छोटा क्वेश्चन आपके कोई भी आपके बन सकता है छठी प्रश्नावली में तो आप वो सब छोटे छोटे क्वेश्चन है वो ट्राई करना है सीखना है।